हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्वेश्चन चैनल में। आज है 10 जनवरी। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और वे के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखिए इस जगह से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ने को जा रहे, यहाँ पर देख पा रहे हो मेडिकल छात्रों को राहत, अब नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होने वाली है। अगली भी जहाँ पर पढ़ने को जा रही है देख पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी, देख पा रहे हो सारे कॉलेजेस की तरफ से कि इंतजार खत्म, लॉ कॉलेजों में सीटों के निर्धारण को लेकर मामला है पटना हाईकोर्ट में चल रहा। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन पर अब तक नहीं हुआ है फैसला, 17-6 मई से लेट होने वाला। तो देख पा रहे हो अभी और इंतजार आप सभी को करना पड़ेगा जो कि लॉ कॉलेज अभी से लेना चाह रहे थे। राज्य के लॉ कॉलेज यानी पटना यूनिवर्सिटी सहित देख पा रहे हो सारे कॉलेजेस में नामांकन वर्तमान सत्र में अभी तक नहीं हो पाया है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है लेकिन अब तक प्रवेश परीक्षा भी पर भी फैसला ही नहीं हुआ है। पर पड़े कारण कि लॉ कॉलेजों में सीटों के निर्धारण को लेकर मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। पार्क काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से पटना हाईकोर्ट ने सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट मांगी है। अब इस फैसले में जारी सुनवाई में बड़ा फर्क यह पड़ा है कि 17-21-22 शुरू होने से पहले ही 6 माह लेट चल रहा है। देख पा रहे हो पटना लॉ कॉलेज में भी यही हालत है कि लॉ कॉलेज प्रशासन को कोर्ट से मंजूरी का इंतजार है। देख पा जैसे मिलेगा, अगस्त माह से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी लेकिन पहले 20 नवंबर तक आवेदन की तिथि निर्धारित थी, ना तो प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई नहीं आई की प्रक्रिया। पटना लॉ कॉलेज की सीटों में नहीं होगा फिर बदल। देख पा रहे हो सीटें जितना थी 300 सीटें उतना ही होगा। पटना यूनिवर्सिटी के LLB की परीक्षाओं का शेड्यूल किया जा रहा है। इस बीच पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही LLB के अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें LLB सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 1 के सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सभी परीक्षाएं 20 जनवरी शुरू हो रही है और 27 जनवरी तक चलेगी। अगली पे पढ़ने को जा रही आपको बिहार बोर्ड DELED एग्जाम को लेकर पढ़ पा रहे हो। DELED कोर्स नवंबर में परीक्षा हुई, कॉपी अब तक नहीं जांची गई। पढ़ पा रहे हो जिस DELED कोर्स को जून में पूरा होना था उसकी परीक्षा नवंबर में ली गई, बावजूद इसके जनवरी के दूसरे सप्ताह तक कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया जिससे रिजल्ट लेट है। सत्र देख पा रहे हो 19-21 के तहत DELED के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ रही है। दूसरी ओर नवंबर में ही DELED के प्रथम वर्ष सेक्शन 17-20 से 22 के फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी हुई लेकिन कॉपियों की जाँच अभी तक शुरू नहीं हुई है। देख पा रहे बहुत जल्द शुरू हुई तो आप सभी का रिजल्ट आएगा। अगली भी आपको पढ़ने को मिल जा रही है, यहाँ पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी CUSB यूनिवर्सिटी की तरफ से 391 सीटों पर नामांकन के लिए आप आज तक आवेदन कर सकते हैं। CUSB सबसे अधिक 38 सीटें, MA देख पा रहे सोशोलॉजी में खाली। तो पढ़ने को मिल जा रही है इसमें आप 4 वर्षीय बिहार BEd के इंटीग्रेटेड कोर्स यानी BSc BEd के साथ 24 PG कोर्सेज और PG डिप्लोमा इन योग्य पाठ्यक्रमों में सीटें अभी भी खाली है। वही परीक्षा जारी, खाली बचे कुल 391 सीटों पर नामांकन के लिए विवि प्रशासन ने एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो 10 जनवरी को रात 11:55 तक समाप्त हो जाएगी। आपको वेबसाइट देखने को मिल रहा है www.cusbadmission.samarth.edu.in पर ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगली बेट वीर को वर्सिंग यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट पढ़ पा रहे हो। बीते कई पाठ्यक्रम के प्रस्ताव हुए थे पारित लेकिन नहीं शुरू हुई अभी तक पढ़ाई। आज की बहुत बड़ी अपडेट पढ़ने को जा रहा है, वीर कुंवर्सिंह यूनिवर्सिटी तरफ से आपसे कुछ इंतजार था PhD पैट एडमिशन टेस्ट का, देख पा रहे हो तो एग्जाम अभी पोस्टपोन कर दी गई है। मेरे फ्रेंड 16 को होने वाली PhD की प्रवेश परीक्षा स्थगित हुई। पढ़ पा रहे यहाँ पे बढ़ती कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वीर कुंवर्सिंह यूनिवर्सिटी ने 16 जनवरी को होने वाले PhD एडमिशन टेस्ट यानी पैट तो अभी इसकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कुलपति ने बताया कि स्थिति सामान्य होने पर पुनः परीक्षा संचालित करने के लिए प्रोग्राम जारी किया जाएगा। उसी के साथ पढ़ने को मिल जा रहा है कि सोमवार से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भी दिया जाना था। परीक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए 4 केंद्र भी बनाए थे जिसके लिए आपको एग्जाम से लिस्ट आपको परीक्षा देखने को मिल रहा है। इधर रिकॉर्ड बोर्ड देख पा रहे वीर कुंवर्सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से MEd में नामांकन के लिए जल्द ही लिया जाएगा आवेदन। पढ़ पा रहे फ्रेंड्स की वीर कुंवर्सिंह यूनिवर्सिटी आरा MEd 17-21-23 में की प्रवेश परीक्षा के लिए जल्द ही आवेदन लिया जाएगा। कुलपति ने बताया परीक्षा बोर्ड की बैठक में प्रवेश परीक्षा को लेकर मंथन किया गया था, जल्द ही उपरोक्त सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस समय परीक्षाएँ तो नहीं संचालित नहीं की जा सकती परंतु पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। गौरतलब हो कि विश्वविद्यालय अंतर्गत 2 कॉलेज MEd की पढ़ाई होती है। अगली में पढ़ पा रहे हो तिलकाबाजी भागलपुर यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट कि नामांकन समिति ने कहा 5 मौके दिए, कई बार तिथि भी बढ़ाई गई।
वहीं पढ़ने को मिल जा रहा है कि TMU में यूनिवर्सिटी में स्नातक की 22 बची सीटों पर अब दाखिला नहीं होगा। जिन कॉलेजों को देर से मिला एफिलिएशन उन्हें घाटा है, इनमें ज़्यादातर की सीटें अभी भी खाली रह गई है। अगली बार JP यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो, छपरा की तरफ से कुलपति ने केंद्र का किया निरीक्षण, 1098 परीक्षार्थियों ने दी 2 केंद्रों पर BEd की परीक्षा। अगली बार यहाँ पे पढ़ पा रहे हो KSDU यूनिवर्सिटी दरभंगा की तरफ से अपडेट कि समय पर परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट नहीं निकलने से देख पा रहे हो सभी छात्रों को रही परेशानी, कोरोना के कारण भी देरी हो रही है। आचार्य के 4th सेमेस्टर सत्र 2018-20, द्वितीय सेमेस्टर सत्र 19-21 की परीक्षा का आयोजन अब तक नहीं हो पाया है। वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर 3 माह पहले ली गई थी परीक्षा पर अब तक रिजल्ट नहीं आया। वही देख पा रहे हो दूसरी अपडेट के नामांकन के वर्षों के बाद भी परीक्षा फल अब तक नहीं निकला। अगले पढ़ने को जा रही बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू है। केंद्र पर मास्क में ही स्टूडेंट्स को मिलेगी एंट्री, 20 जनवरी तक चलेगी परीक्षा, कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। वहीं पर पारो साधित परीक्षा की एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं की गई है, जो कि बाद में जारी की जाएगी। इधर अगले वीडियो पढ़ने को जा रही है DLED एग्जाम को लेकर अपडेट पढ़ पा रहे हो कि यहाँ पर 4 महीने पहले हुई विशेष परीक्षा का रिजल्ट अभी भी लंबित है। देख पा रहे हो 17 से 19 में नामांकन लेने वाले परीक्षा फॉर्म बिहार बोर्ड ने रेगुलर अभ्यर्थियों के साथ नहीं भरवाया। वही देख पा रहे हो 4 महीने बाद भी। अगली बार देख पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट, मकर संक्रांति के बाद जारी होगा प्रोग्राम। बिहार यूनिवर्सिटी अगले माह चार तक 4 परीक्षाएं लेने की योजना पर काम। पढ़ पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी में लंबित परीक्षाएं अब देख पा रहे बहुत जल्द होने वाली है। 4 माह देख पा रहे हो यहाँ अगले माह तक 4 परीक्षाएं का शेड्यूल जारी कर देगा। इनमें PG के विभिन्न सत्रों की 2 परीक्षाएं एवं स्नातक की 2 परीक्षा ली जाएगी। पढ़ पा रहे PG 18-20 सत्र के 4th सेमेस्टर की परीक्षा का प्रोग्राम जारी होगा। उसके बाद 19-21 सत्र के PG 2nd सेमेस्टर का परीक्षा प्रोग्राम। देख पा रहे हो इस सत्र का परीक्षा फॉर्म भरवाया जा चुका है, लेकिन परीक्षा विभाग परीक्षा फॉर्म भरवाने का लिए एक मौका और देगा। इस सत्र का 4 सेमेस्टर 2021 में ही पूरा होना चाहिए, लेकिन अभी भी लेट है। वहीं पर स्नातक पार्ट 19-22 के 2nd पार्ट एवं 20-23 सत्र के 1st पार्ट की परीक्षा के लिए भी जल्दी परीक्षा फॉर्म भरवाने की तिथि घोषित की जाएगी। वहीं पर आपको यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक ने कहा सरकार की ओर से अब तक परीक्षा के आयोजन पर रोक नहीं लगाई गई है, विभाग मकर संक्रांति के बाद आय की परीक्षाओं को लेकर प्रोग्राम जारी करेगा। अगली भी पढ़ पा रहे हो यहाँ पे 6ठी 9वीं में होगा एडमिशन, सैनिक उत्सव की प्रवेश परीक्षा में मैथ और रीजनिंग ने उलझाया। अगली बार देख पा रहे मिर्जा गालिब कॉलेज की तरफ से, मिर्जा गालिब कॉलेज की नई बिल्डिंग में वोकेशनल कोर्स की अब होगी पढ़ाई, मगध यूनिवर्सिटी से ये बहुत बड़ी अपडेट। अगली बार देख पा रहे हो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कोर्ट का आदेश है, माह के पहले हफ्ते में होगा देख पा रहे सभी शिक्षकों का भुगतान। अगली बार पढ़ने को जा रही पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डिग्री प्रार्थी में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज तक, VV का वेबसाइट नहीं कर रहा था काम तो डेट बढ़ा दी गया। देख पा रहे हो प्रार्थी 2021 का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज ही है। अगली बार देख पा रहे हो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के बहुत बड़ा अपडेट के स्कूल और कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार 10 से 20 जनवरी के बीच किसी भी विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं, एडमिट कार्ड जारी है। इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू, बिहार बोर्ड की ओर से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2022 सोमवार से शुरू हो रहा है। पूरे राज्य में प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक चलेगी। अपर दिव्यांग परीक्षाओं को मिलेंगे अतिरिक्त 20 मिनट, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। इधर मैट्रिक परीक्षा को लेकर अपडेट, मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा की सामग्री 13 जनवरी तक प्राप्त करेंगे स्कूल, परीक्षा कार्य में लगे लोगों को भी लगाना होगा मास्क। वही पढ़ पा रहे मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 की इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। अगली बार पढ़ पा रहे हो पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी अपडेट, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में CDET की बैठक। और पढ़ पा रहे पटना यूनिवर्सिटी 18 जनवरी को CDET की बैठक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगी। अगली बार देख पा रहे हो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इग्नू का टर्म एंड परीक्षा TEE 2021 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। वही पढ़ पा रहे हो इग्नू में PhD नामांकन के लिए आवेदन की तिथि फिर बढ़ाई गई। जी मेरे फ्रेंड्स पढ़ पा रहे हो अब आप यहाँ पे 14 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, फीस 15 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। अगली बार देख पा रहे हो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सबसे पहले अपनी परीक्षाओं का संपन्न कराया इस बार। वही मौलवी में 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी सभी छात्राओं को। अगली बार देख पा रहे हो DAB BSEB ने नए सत्र 22-23 में LKG और Class 1 का एडमिशन फॉर्म 17 जनवरी को ऑफलाइन बोर्ड में जारी किया जाएगा। कोई संत कैरेंट्स में 15 तक भर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। अगली बार देख पा रहे हो BCC बोर्ड की तरफ से मॉपअप राउंड के तहत एडमिशन प्रक्रिया स्थगित की गई। अगली बार देख पा रहे पटना कॉलेज में 160वां स्थापना दिवस का समारोह का आयोजन प्रशासनिक भवन के सामने किया गया। अगली बेट CBSE बोर्ड की तरफ से TEM 2 परीक्षा को लेकर छात्रों की अभी चिंता बढ़ी है। कोरोना का असर दिख रहे हो कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया गया है।
अगले हुए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से अपडेट, आज से नियमित चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस। पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज से नियमित ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे आप सभी के कॉलेजेस में। अगर अभी तक शुरू नहीं हुए हैं तो अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करें। पर कई जगहों पर रूटीन नहीं बन पाने की वजह से छात्र कक्षाएँ शुरू नहीं की जा सकी। वही देख पा रहे कॉलेज में 50% उपस्थिति के साथ शिक्षकों रहेंगे उपस्थित। कॉलेज हो या घर, शिक्षक जहाँ रहेंगे वहीं से ऑनलाइन कक्षाएँ लेंगे। साथ ही ई कंटेंट भी ऑनलाइन तैयारी करने का निर्देश कॉलेज के शिक्षकों को दिया गया। कुछ जगहों पर रूटीन नहीं बनने के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ ऑनलाइन क्लास, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वहीं पर टीपीएस कॉलेज के शिक्षक श्यामल किशोर ने बताया, रूटीन बन गया है कॉलेज में, सोमवार से नियमित क्लासेस शुरू होगा और यूजी की परीक्षाएं होने से राहत। पीयू व पीपीयू में स्नातक के 3 वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। परीक्षाएं होना राहत की बात है, अन्यथा दिख पा रहे सत्र बहुत पीछे चला जाता। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने से सिलेबस भी जारी रहेगा, इस प्रकार अकेडमी का बहुत अधिक प्रभाव इस बार नहीं पड़ेगा। पीजी में परीक्षाएं लेट चल रही है, पीजी का ही सत्र पटरी पर नहीं आ रहा है। पीजी ही की नामांकन प्रक्रिया दोनों ही विश्वविद्यालयों में अब तक नहीं हुई है, जबकि इस वक्त तक एक सेमेस्टर की परीक्षा भी हो जाती थी। हालांकि पीजी का भी ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेगी, जिससे सिलेबस भी बढ़ता रहेगा। समय ठीक होने पर जल्द से जल्द 2 सेमेस्टर की परीक्षा लेकर सत्र को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। अगली बैठ हमारे दर्शकों के लिए अपडेट पढ़ पा रहे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट नोटिस आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट खाली है, देख पा रहे हो, जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट है संस्कृत का, रजिस्टर के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, 10 लेवल पोस्ट आपको देख पा रहे हो, पे मिलेगा सैलरी। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का 30 जनवरी तक है। लास्ट डेट देख पा रहे हो प्रिंट आउट निकाल के आपको ऑनलाइन फिल फॉर्म का 5 फरवरी तक लास्ट डेट सबमिशन करना है प्रिंट आउट निकाल के। लिंक देख पा रहे हो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगली बिट मुंगेर यूनिवर्सिटी अगली अपडेट, एग्जाम अपडेट, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराते हुए ली जाएगी परीक्षा। बीसीए बीएड और लॉ के का एग्जाम का प्रोग्राम हुआ जा रही, 13 से शुरू होगी परीक्षाएं। पर प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे के बीच संचालित होगी सभी परीक्षाएं। बीसीए का परीक्षा कार्यक्रम आ गया है, 13 जनवरी से 1 जनवरी तक होगा एग्जाम। वही बीएड पार्ट 1 का प्रोग्राम देख पा रहे हो 13 जनवरी से 21 जनवरी तक। वही देख पा रहे हो एलएलबी परीक्षा का प्रोग्राम 13 जनवरी से 29 जनवरी तक। देख पा रहे हो कुलपति से मिलकर परीक्षा आयोजन का आग्रह किया गया। तो ये थी अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगली बार देख पा रहे हो दरभंगा एलएनएम यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े अपडेट, स्नातक पार्ट 1 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 13 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया, जिसे रिजल्ट देख पा रहे हो आपको निकलने में लेट हो सकती है। इधर अगले बार तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपडेट, पैट व बीएड का रिजल्ट अब तक नहीं आया। वही कोरोना के संक्रमण में फंसी परीक्षाएं, टीएमबी में परीक्षा परिणाम में भी फेर। 24 जनवरी के बाद स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुई। दोस्तों अगले अपडेट डीएलएड एग्जाम को लेकर अपडेट, डीएलएड का रिजल्ट जारी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया है। बिहार के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से डीएलएड कर रहे सत्र 20 से 22, 19 से 21 की प्रथम व द्वितीय परीक्षा वार्षिक परीक्षा नवम्बर में सम्पन्न हुई थी, जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 7 दिसंबर से तिथि निर्धारित की थी, लेकिन अब तक देखो नहीं हो पाया। तो ये पढ़ पा रहे हो अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया कॉपी मूल्यांकन ही, खासकर सत्र 19 से 21 के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। देख पा रहे हम लोग का सत्र जून 2021 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन परीक्षा नवंबर माह में हुई, इससे अन्य पाठ्यक्रम में नामांकन लेने से वंचित हो गए हैं। साथ ही कहा कि अगर समय पर रिजल्ट जारी नहीं हो तो आंध्र प्रदेश अन्य प्रदेश में आवेदन भी करते, विभागीय लापरवाही से भविष्य अंधकार में हो गया है। देख पा रहे हो डी एल एड वालों का ले पढ़ पा रहे हो, पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समेत बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में पीवी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो पसंद को लाइक करें, ये सारा अपडेट पढ़ पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए चैनल के बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना भूले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।